नीतीश कुमार जीत गया, जीत के भाई जीत गया, नीतीश कुमार जीत गया, जीत के भाई जीत गया, नीतीश कुमार जीत गया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साधु जा हां सर, ए आए सब जन अधिकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के परिणाम क्या कहते हैं, अब राजनीति के पंडितों ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। छात्र संघ के सेंट्रल पैनल में जन अधिकार छात्र परिषद की 2 सीटों पर जीत और छात्र जेडीयू को 1 भी सीट ना मिलना 2 बड़े सवाल हैं। उनके लिए यह है निर्विवाद है कि चुनाव में कैंडिडेट को अपने आचरण का भी प्रभाव पड़ता है, किंतु पार्टी का समर्थन भी कम नहीं होता है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार छात्र परिषद ने शानदार प्रदर्शन किया है। पप्पू यादव की पार्टी में छात्र संघ चुनाव में 2 बड़े पदों पर जीत दर्ज की है। जन अधिकार छात्र परिषद के मनीष कुमार ने अध्यक्ष और आमिर रजा ने संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की है। वहीं छात्र आरजेडी के निशांत कुमार ने, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रियंका श्रीवास्तव ने महासचिव, जबकि आईसा की कोमल कुमारी ने कोषाध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की है। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पूर्व सांसद पप्पू यादव को इस चुनाव के परिणामों से एक नई दिशा मिल गई है। पिछले 3-4 सालों से पप्पू यादव छात्र राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे थे। पटना में भीषण जल जमाव के दौरान उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, उससे उनके प्रति युवाओं में आकर्षण बढ़ा है। इस जीत की खुशी पप्पू यादव ने ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ जीत नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, संघर्ष अभी बहुत भारी है। यह सफलता महान गणितज्ञ डॉक्टर विशिष्ट बाबू को समर्पित। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में AISF JACB गठबंधन की विजय से हो गई नई शुरुआत। छात्र युवा बदलेंगे बिहार, बनाएंगे ऐसी सरकार जो देगी शिक्षा रोजगार जन जन को अधिकार। नीतीश कुमार जीत गया, जीत गया, नीतीश कुमार जीत गया, जीत गया, जीत गया, नीतीश कुमार जीत गया, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटियों को बधाई, मगध विमेंस कॉलेज को बहुत बधाई। जिस सरकार ने बेटियों को अपमानित किया, सुरक्षित किया, उनकी छोटी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया, कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया, बच्चों के कैंटीन पर ध्यान नहीं दिया, आज लोगों ने एक संकल्प के साथ एक नया सपना, यह जीत वशिष्ठ बाबू को समर्पित, यह जीत खुदीराम बोस को समर्पित, यह जीत जयप्रकाश नारायण को समर्पित, यह जीत राजेंद्र बाबू को समर्पित, ये जीत कर्पूरी ठाकुर को समर्पित, ये जीत बिहार से एक नई आजादी की शुरुआत करेगा एक नए संकल्प के साथ। बता दें कि बिहार में भारी बारिश के दौरान कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया था। पटना में भी जल भराव के हालात देखे गए हैं। उस दौरान पप्पू यादव ने हर गली मोहल्ले में जाकर लोगों को खाने का सामान और पीने का पानी मुहैया करवाया था। वहीं बढ़ते हुए प्याज के दाम को लेकर जन अधिकार पार्टी के संरक्षण और पूर्व सांसद पप्पू यादव बीजेपी पर लगातार आक्रमण पे हैं। हाल ही में पप्पू यादव ने पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर 35 रुपए प्रति किलो की दर से आम लोगों को प्याज बेचा। इसके बाद राजेंद्र नगर इलाके में स्थित उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के घर के पास उन्होंने प्याज की दुकान लगाई और लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध करवाया।